स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स NCERT लाइन बाय लाइन पार्ट 6। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे YouTube वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक 9.9 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मिरर, लेंस और प्रिज्म के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्टों ने काफी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रचना की। उनमें से कुछ हैं पेरिस्कोप, क्लाइडोस्कोप, बायनोकुलर, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है। किनके? मिरर्स, लेंस और प्रिज्म के, और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए हैं। तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है, जिसे गॉड ने बनाया है, वो है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का डिटेल्स, उसके ह्यूमन आई के बिना ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बेकार है। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन आई की बनावट, इसकी स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग। ठीक है, तो यह है ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर, बनावट। अब इसे ध्यान से समझिए। तो ह्यूमन आई का जो पार्ट हमें दिखता है, ये बाहरी पार्ट, ये रेड से मैं बना रहा हूं, ये पार्ट, इस पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्निया हो गया। उसके बाद पहले डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उनकी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद तो कॉर्निया से मैक्सिमम लाइट जो कि ह्यूमन आई से अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद का पार्ट जो है, ये पार्ट, ये छोटा सा जो होल है, इसको कहते हैं प्यूपल। ठीक है, प्यूपल जो लगा होता है किनारे से, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन और यहां पे ये पोर्शन, इसको कहते हैं आयरिस। उसके बाद अब ये जो पोर्शन है डॉटेड, ये पोर्शन, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और यहां पे देखिए, ये एक लेंस की तरह एक संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, कॉर्निया हो गया, आयरिस हो गया, प्यूपल हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया और क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। ये तो हो गया फ्रंट पोर्शन। अब नेक्स्ट है ये चारों ओर का स्ट्रक्चर। हाँ, अब ये जो लेंस है, ये यहां पे एक मसल्स के द्वारा
ये अटैच होते हैं ये लेंस, ठीक है, ये जुड़ा होता है। और इस मसल्स को क्या कहते हैं, सीलियरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये चारों ओर का पोर्शन जो है, यहां से पूरा इधर से लेके यहां तक पूरा ये पोर्शन जो है, इसको कहते हैं रेटिना। और यहां से कुछ नर्व्स का गुच्छा यहां पार होता है और उसको कहते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। तो ये हो गया आई की बनावट। अब एक रहता है ये बीच में, ये क्या भरा है, ये लिक्विड जैसी चीज से ये भरा होता है, इसको क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमा, ठीक है। ये हो गया विट्रियस ह्यूमा। तो ये हो गया आपका आई की बनावट, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे इनकी संरचना है। चलिए अब इसका फंक्शनिंग पढ़ते हैं। अब क्या होता है, लाइट जो इंटर होती है वो कहां से इंटर होती है, ये मान लीजिए लाइट रेज हैं, ये कॉर्निया से इंटर इंटर होती है ऐसे। फिर ये जो लाइट रेज ये पास होती है, कहां से होती है पास, यहां से। ये जो आयरिस के अंदर एक होल बना होता है उसको क्या कहते हैं, प्यूपल। आयरिस के अंदर एक होल बना होता है, यहां से ये पास होती है लाइट। तो पीपल क्या है, आइस के सेंटर में एक होल बना होता है उसको पीपल कहते हैं। वहां से कोर्निया से दाखिल होने के बाद आइस उस होल से, दैट मींस पीपल से होके गुजरती है। अब ये पीपल का जो साइज होता है ये कंट्रोलेबल है, उस जो मसल्स लगे हुए हैं उसके दोनों किनारे, उससे वो कंट्रोलेबल है, ठीक है। उसके बाद लाइट क्या होता है, फोकस्ड होता है, कहां पे होता है, रेटिना पे फोकस्ड होता है। अब रेटिना क्या है, ये हो गया, अब फोकस होता है रेटिना पे, ठीक है। अब रेटिना है क्या, रेटिना फिल्म, पतली सी फिल्म की तरह की आकृति है, स्ट्रक्चर है, जो बना होता है किससे, नर्व फाइबर से। वो नर्व फाइबर से वो कवर्ड होता है, ठीक है। यहां रेड से ये कार्वेचर मैंने बना दिया है, इसी को रेटिना कहते हैं, ये नर्व फाइबर से कवर्ड होता है। अब रेटिना में क्या होता है, रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, जो लाइट के इंटेंसिटी और कलर को सेंस करते हैं, ठीक है, अनुभव करते हैं और उसको ट्रांसमिट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वाया ऑप्टिकल नर्व, वो ब्रेन में चला जाता है। तो उसको वो ट्रांसमिट कर देते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, वो ट्रांसमिट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, ये है ऑप्टिकल नर्व्स, इनके थ्रू वो ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। अब ये जो लेंस है ये क्रिस्टलाइन लेंस, इसका सेप, सेप बोले तो कर्वेचर, ठीक है, और उसकी फोकस, ठीक है, या फोकल लेंथ कह लीजिए, इसको मॉडिफाई किया जाता है, कुछ हद तक मॉडिफाई किया जाता है सीरियली मसल्स के द्वारा, यहां पे जो दोनों किनारे ये लगा हुआ है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है,
इन्फिनिटी पे। तो ये जो लेंस, इसको इसका परफेक्ट फोकस कहाँ पे करता है, रेटिना पे करता है, और वो रेटिना पे इमेज बना देते हैं। लेकिन जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हैं, और तो क्या होता है, सीरियली मसल्स जो होते हैं वो इस लेंस का मॉडिफिकेशन करते हैं और ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का जो फोकस जहां पे करना चाहिए वहां पे हम करते हैं ऑटोमेटिकली। अर्थात जब हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, लेंस का फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, मींस कम कर देता है। कौन करता है एडजस्टमेंट? ये सीरियली मसल्स करते हैं और वहीं पे वो इमेज बनता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इसको एकोमोडेशन कहा जाता है। अब किसी ऑब्जेक्ट को काफी नजदीक ले आइए आंख के, तो क्या होता है, ये जो कर्व लेंस का जो होता है, मींस लेंस का जो कर्वेचर होता है, वो एक लिमिट तक उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड लिमिट हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इमेज हमें उसका धुंधला, उस ऑब्जेक्ट को हमें धुंधला दिखता है। ठीक है, अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जिससे कि लेंस का, आई के लेंस का फोकस रेटिना में हो, उसको क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसको क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल पर्सन का ये जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये परफेक्ट डिस्टेंस है कोई भी बुक वगैरह पढ़ने के लिए। लेकिन ये डिस्टेंस एज के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो कहाँ तक बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मली देखा गया है कि 200 सेंटीमीटर होता है ये डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट, इसको डी से भी कभी कभी लिखा जाता है। नियर पॉइंट का डिस्टेंस 60 ईयर के लोगों के लिए अप्रोक्सीमेटली, इट फिक्स नहीं है, फिर भी अप्रोक्सीमेटली 200 सेंटीमीटर देखा गया है। और 10 साल के बच्चे के लिए ये डिस्टेंस 7-8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो एज के साथ साथ ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके सीरियली मसल्स उतने फ्लेक्सिबल नहीं रह जाते हैं, एज के साथ साथ उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं और उतने इफेक्टिवनेस भी नहीं होती है उसमें। ठीक है, अब उसके लेंस की भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है एज बढ़ने के साथ साथ। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया। ठीक है, और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। मान लीजिए एक 60 इयर्स का एक व्यक्ति है, वो 25 सेंटीमीटर जो हमारा नियर पॉइंट है वहां पे ऑब्जेक्ट ब्लर्ड दिखता है, अच्छा से उनको दिखता नहीं है बुक्स। तो इस बीमारी को क्या कहेंगे, प्रेसबायोपिया कहेंगे। और ये कैसे दूर होगा, ये कन्वर्जिंग लेंस लगा के, एक एक्स्ट्रा चश्मा लगाना पड़ेगा कन्वर्जिंग लेंस का, और वो फोकस ठीक ढंग से करेगा और रेटिना में क्लियर इमेज बनाएगा। ठीक है, अब
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आई के, कुछ डिफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मान लीजिए क्या होता है, हम देखते हैं कि एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है पी। अब इसका इमेज क्या कहां पे बना देता है, पी डैश। पी डैश तो रेटिना है नहीं, इसका मतलब रेटिना से पहले ही बना देता है इमेज। तो वो ये इमेज तो अच्छा से दिखेगा नहीं, ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इस बीमारी को क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस और मायोपिया, ठीक है। इसको नियर साइटेडनेस और मायोपिया कहते हैं। अब इसको दूर कैसे करेंगे, एक डाइवर्जिंग लेंस और कंकेव लेंस लगा देंगे, ठीक है। तो वो क्योंकि ये बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है और रेटिना से पहले ही इमेज बना रहा है, तो इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करना है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस और कंकेव लेंस लगा देंगे और वो करेक्टली रेटिना पे इमेज बनाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना में ना बन के रेटिना से बाहर बनती है, जैसे पी ऑब्जेक्ट का इमेज पी डैश पे बन रही है जो रेटिना से पीछे बन रही है, तो इस बीमारी का नाम क्या है, इसका फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, ये ज्यादा डाइवर्ज हो रही है तो इसलिए कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे या कॉनकेव लेंस लगा देंगे, तो ये पी डैश पे मींस रेटिना पे इमेज बनाएगी, ठीक है। अब दूसरे तरह के भी डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे अब दूसरे तरह के डिफेक्ट्स को जैसे एस्टिग्माटिज्म एक डिफेक्ट ऑफ विजन है। तो एस्टिग्माटिज्म में क्या होता है, इसमें कॉर्निया का स्फेरिकल शेप जो है मींस प्रॉपर नहीं होता है, उनका प्रॉपर स्फेरिकल शेप नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसा होता है कि इनका कर्वेचर वर्टिकल प्लेन में ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, या कभी कभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका कर्वेचर ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन। तो इन दोनों ही केस में अब क्या होता है इस डिफेक्ट के होने से, कि मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जब ड्रॉ किए हुए हैं तो उन्हें अच्छा दिखता है, लेकिन उनके जो वर्टिकल परपेंडिकुलर्स हैं जो कि वर्टिकल्स हैं वो उन्हें अच्छी तरफ से फोकस नहीं करता है और वो डिसॉर्टेड दिखते हैं, ठीक है। या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मींस वर्टिकल लाइंस सही दिखते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस डिसॉर्टेड दिखते हैं। तो इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसको सिलिंड्रिकल लेंस से ये डिसऑर्डर को ठीक किया जाता है, ठीक है। और इस तरह का डिफेक्ट मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में भी हो सकते हैं, मींस मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के साथ साथ ये डिफेक्ट भी हो सकता है ह्यूमन आई में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन आई के बारे में और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफरेंट तरह के विजन डिफेक्ट्स के बारे में हमने ये किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में और उनका रेमेडीज और क्योर के बारे में एक क्वेश्चन आता है, तो प्लीज आप इनको अच्छी तरह से कर लीजिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 9.9.2 द माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब एक सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग लेंस या कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? तो सिंपल है, देखिए ये एक कन्वर्जिंग लेंस है यहाँ पे इस फिगर में। तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए कम डिस्टेंस पे, ये ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से क्या होता है, हमारी आँख यहाँ पे है, आई ह्यूमन आई यहाँ पे है, तो यहाँ से देखता है तो एक रे यहाँ निकलती है और एक रे ऑब्जेक्ट से निकलती है, ऐसे जाती है और ह्यूमन आई के पे टकराती है, ठीक है। दूसरी रे यहाँ सीधी जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है और यहाँ पे टकराती है। तो ये दोनों रे, तो इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, ये एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये इमेज जो है कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, ये एक इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पे इसका वर्चुअल इमेज बनता है। वो इमेज काफी ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा होता है, ठीक है, और ये एक वर्चुअल इमेज होता है। अब इसका मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई u, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v के बदले में v ही रख दिया और 1 बाई यू के बदले में हम लिख सकते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ लिख सकते हैं हम। अब v को अंदर भेज दिया, मल्टीप्लाई किया, तो v अपॉन v हो गया 1, और v को इधर भेज दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो v अपॉन f, यहां तक ये निकल आया। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से v इज नेगेटिव, ठीक है, v क्या है, नेगेटिव है। थस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v, यदि नेगेटिव है तो यहां पे माइनस v है, v अपॉन f है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस डी अपॉन एफ, वी अपॉन एफ होगा, और उसके बाद उसको v को रिप्लेस करके d लिखेंगे, क्यों, यदि वो 25, d क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 9.39। अब हम लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन, हाँ, जब इमेज कहां पे है, इंफिनिटी पे है, तो इस केस में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट है h, मैक्सिमम एंगल वो सस्पेंड करेगा, सबटेंड करेगा और क्लियर विजिबल होगा विदाउट लेंस, क्या होगा, उसके नियर पॉइंट पे, मतलब 25 डिग्री सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और डी, ठीक है, डी पे वो क्लियर दिखेगा। एंगल सबटेंडेड बाय इज देन गिवन बाय टेन थीटा जीरो इज इक्वल टू एच डी, एच बाई डी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाई इमेज डिस्टेंस। इसको समझने के लिए ये फिगर है, तो यहां पे टेन थीटा जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा जीरो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच अपॉन डी, और इसी चीज को हम नीचे ले गए हैं, तो हमारा टेन थीटा जीरो इज इक्वल टू आया है h अपॉन d, और टेन थीटा जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली थीटा जीरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 9.40। अब हम लोग देखेंगे एंगल, कितना एंगल सस्पेंडेड होता है आंखों में बाय द इमेज,
ठीक है, एंगल सस्पेंडेड सबटेंडेड इन आर आई बाय द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, यू है, तो हम लोग एच डैश अपॉन एच रखेंगे इसको, इज इक्वल टू एम, एम क्या है मैग्निफिकेशन, वी बाई यू। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड थीटा वन है, तो हम लिख सकते हैं थीटा वन इज इक्वल टू एच डैश बाय माइनस वी, तो एच डैश क्या है, ये इमेज हाइट है, ठीक है, और माइनस वी क्यों आया, सन साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस वी आया, तो हम लिख सकते हैं एच एच डैश के बदले में हम लिख सकते हैं एच अपॉन माइनस वी वी बाई यू, वो कहां से आया, वो यहां से आया, तो एच डैश यहां से क्या होगा, एच डैश इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाई वी बाई यू, तो ये वैल्यू हमने एच मल्टीप्लाई बाई वी बाई यू ये वैल्यू हमने यहां से डाल दिया, और ऑलरेडी माइनस भी है तो माइनस भी यहां पे हो गया, और टेन थीटा वन के बदले हम थीटा लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी व्हेन इट इज एट यू, दैट इज यू कितना है हमारा, फोकल लेंथ है, साइन क्या है, माइनस है, माइनस एफ, तो हम थीटा वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं एच अपॉन एफ, ठीक है, यू के बदले में माइनस यू के बदले में हम एफ लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, ये हमारा आ गया थीटा वन इज इक्वल टू एच अपॉन एफ, ये हो गया इक्वेशन 9.41। फिर आगे बढ़ते हैं, अब 9.29C से एंगुलर मैग्निफिकेशन इज, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है, थीटा वन अपॉन थीटा जीरो इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 9.42। क्यों थीटा वन और थीटा जीरो की वैल्यू बैठा दीजिए तो डी अपॉन एफ ही आएगा हमारा, थीटा जीरो इज इक्वल टू कितना है, एच अपॉन डी, ठीक है, अब थीटा वन कितना है, वो है आपका एच अपॉन एफ, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा वन अपॉन थीटा होता है, थीटा जीरो, ठीक है, तो हम इसमें थीटा वन और थीटा जीरो की वैल्यू बैठा देते हैं, एच अपॉन एफ अपॉन थीटा जीरो की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन डी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, एच अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय डी बाय एच, ठीक है, एच एच कट गया, तो हमारा क्या बचा, डी बाय एफ, वही यहां पे लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी बाय एफ, ये भी क्लियर हो गया। तो अब सिंपल माइक्रोस्कोप का लिमिटेशन कितना है, 9 टाइम्स से कम, उनका इक्वल और कम मैग्निफिकेशन होता है, अब इसके मैग्निफिकेशन को ज्यादा, हमें यदि ज्यादा मैग्निफाइड इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, ठीक है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है, दो लेंस होते हैं और एक लेंस से एक इमेज बनता है और उस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट मान के दूसरी लेंस जो है उसे और ज्यादा मैग्निफाइड कर देती है, ठीक है, अब
अब इसलिए इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है इमेज फॉर्मेशन में। पहला वाला लेंस इमेज को थोड़ा बड़ा करता है, फिर दूसरा वाला लेंस उसी इमेज को और बड़ा करता है कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण। अब क्या है कि इसलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया है। जो लेंस ऑब्जेक्ट की ओर ऑब्जेक्ट से नजदीक होती है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और जो लेंस आंखों के पास होती है उनको आईपीस कहा जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये एक रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज देता है, ठीक है। ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट की तरह सर्व करता है, सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। तो आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह सर्व करता है, और इसको ज्यादा आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, हाँ मैग्निफायर की तरह बिहेव करता है, और इसको ज्यादा मैग्निफाइड कर देता है, और इस तरह से फाइनल एमएल इमेज इमेज जो होती है वो काफी बड़ी होती है, एनलार्ज होती है और वर्चुअल होती है, ठीक है। अब इसके फिगर भी देखिए। तो ये लेंस जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, और ये लेंस है आई के पास होता है, ये आईपीस है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट से रे निकलती है, ये पहली वाली रे जो कि ऑप्टिकल पॉइंट से होके जाती है, ये यहाँ पे मीट करती है। दूसरी वाली रे ये पैरल जाती है और ये भी यहीं पे मीट करती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो इमेज बना, ये फर्स्ट इमेज बना ऑब्जेक्टिव के द्वारा। अब ये इमेज जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करती है, बिहेव करती है आईपीस के लिए, ठीक है, आईपीस के लिए, इस वाले लेंस के लिए। तो इसका क्या होगा, ये इसको ऐसे रेज बनाएंगे, ऐसे आएंगे और ये सीधी आंखों से टकराएगी, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड करेंगे हम, एक्सटेंड करने के बाद ये इमेज ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि ये रेज कहां से आ रही हैं, ये यहां से आ रही हैं, यहां मिट कर रही हैं। ये जो है फाइनल इमेज ये काफी बड़ा होता है इन कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया रे डायग्राम में इसका एक्सप्लेनेशन। और इमेज की हाइट को यदि हम देखें तो ऑब्जेक्ट की हाइट है h, इमेज की हाइट है h डैश, ठीक है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, हाँ कितना होता है लीनियर मैग्नीशियम लीनियर मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h डैश इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है m जीरो इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, और h डैश के बदले में हम l लिखेंगे और h के बदले f जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम रिजल्ट यूज करेंगे, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया h अपॉन f नॉट इज इक्वल टू h डैश अपॉन l। तो ये हो गया टेन बीटा। तो लास्ट एक्सप्लेनेशन में h क्या था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश क्या था साइज ऑफ द इमेज, और f नॉट क्या था फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड फोकल पॉइंट
of the objective and first focal point of the eyepiece. ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एल कहेंगे. ठीक है, अब एक कंडीशन है, जब फाइनल इमेज हमारा नियर पॉइंट पे बनेगा तो उसका कंडीशन क्या, कब बनेगा, ME मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस डी बाई एफ ई. ऑलरेडी हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट, अब जब इमेज इंफिनिटी पे बनता है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आईपीस के द्वारा कितना होता है, एम ई इज इक्वल टू डी बाई एफ ई. थस द टोटल मैग्निफिकेशन व्हेन द टाइमिंग व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड इज एट इंफिनिटी. तो यहां पे देखना है, यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एम ई इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन 1 प्लस डी बाई एफ ई, उसके बाद एम ई इज इक्वल टू व्हेन फर्स्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. अब जब इंफिनिटी पे फर्स्ट इमेज बनता है तो उसका ये डेरिवेशन होगा. अब टोटल डेरिवेशन, टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम जीरो और एंड एम ई. तो एम जीरो इज इक्वल टू एल बाई एफ जीरो और एम ई इज इक्वल टू डी बाई एफ ई. ठीक है, अब हम एम ई और एम जीरो और एम ई की जब वैल्यू बैठा दें एल बाई एफ जीरो एंड डी बाई एफ ई, तो हमें और उनकी वैल्यूज यदि एल और एफ जीरो की वैल्यू यदि हम बैठा दें और एफ ई की वैल्यू यदि हम बैठा दें तो हमारा आंसर मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 250 आ जाएगा. ठीक है, आज इस लेसन को यहीं तक रखते हैं. आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्लीज ऑन कर लें और कम्युनिटी टैब को हमेशा देखते रहिए, आपके लिए काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का लेसन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया हुआ है कम्युनिटी टैब में. पहले तो आप ट्राई कीजिए उनको सॉल्व करने का, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा. आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स के लिए काफी अच्छे मार्क्स आए, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं. जल्द ही मिलेंगे एक फ्रेश लेसन के साथ, एक फर्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. थैंक यू वेरी मच.